मित्रों, हिंदू धर्म में व्यक्ति के कर्मों पर और उनसे मिलने वाले परिणामों पर बहुत जोर दिया जाता है। यह कर्म उसके इस जन्म के साथ साथ अगले जन्म में भी मिलने वाले जीवन को प्रभावित कर देते हैं। महापुराण माने गए गरुड़ पुराण में व्यक्ति के चरित्र और बुरे कर्मों के बारे में बताया गया है कि कौन सी बुरी आदत पुरुष को नपुंसक बना सकती है, इसी के साथ साथ कौन से कर्म उसे नर्क में या फिर स्वर्ग में भेजते हैं, इसका सारा लेखा जोखा महाग्रंथ महापुराण गरुड़ पुराण में बताया गया है। अब वैसे तो मित्रों, हम आपको पहल भी एक वीडियो के माध्यम से बता चुके हैं कि कैसे कर्म करने पर आपको कैसा जन्म मिलता है। आपने यदि वह वीडियो नहीं देखी तो देख सकते हैं। लेकिन आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मनुष्य आखिर अपने जीवन में वह कौन सा महापाप कर बैठता है जिससे उसे एक नपुंसक के रूप में जन्म लेना पड़ता है। यदि आप भी इस रहस्य को जानना और समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। स्वागत है मित्रों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल शुभ सनातन ज्ञान में। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब शुरू करते हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण में महिला और पुरुष दोनों को ही यौन संबंध से जुड़े कर्मों को लेकर भी काफी कुछ जानकारी बताई गई है। इसी के साथ साथ उनके कर्म तय किए गए हैं कि अगले जन्म में वह किस रूप में जन्म लेंगे और कैसा जीवन बिताएंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी महिला या फिर कन्या का शारीरिक शोषण करने वाले व्यक्ति मरने के बाद में नर्क में स्थान पाते हैं। सालों तक यातनाएं भुगतने के पश्चात उनका अगला जन्म अजगर के रूप में हो जाता है। मित्रों, मनुष्य के जन्म लेने के बाद प्रथम गुरु उसके माता पिता होते हैं, जहां से उसे प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त होती है। उसके बाद उस मनुष्य की शिक्षा का मार्ग के गुरु खोलता है। अब ऐसे इंसान जो कि अपने गुरु की पत्नी के साथ गलत संबंध बनाते हैं, उन्हें भयानक यातनाएं झेलनी पड़ती है। इसी के साथ साथ वह अगले जन्म में गिरगिट का रूप धारण करते हैं। बता दें कि हिंदू धर्म में मित्रता को बहुत महत्व दिया गया है। यदि जीवन में आपको एक अच्छा मित्र मिल जाए तो आप किसी भी जंग को आसानी से जीत सकते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो अपने दोस्त की पत्नी के साथ गलत संबंध बना लेते हैं, उन्हें अगले जन्म में गधा बनना पड़ता है। गरुड़ पुराण में महिला का हरण करने को भी महापाप बताया गया है। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा खूब कष्ट भोगती है और ब्रह्म राक्षस बन जाती है। यह एक अदृश्य प्रजाति मानी जाती है जो कि किसी को दिखाई नहीं दे पाती है। अगर कोई भी महिला अपने पति के अलावा किसी और से संबंध रखती है तो ऐसी महिलाओं की आत्मा को भी यमलोक में यातनाएं झेलनी पड़ती है और अगले जन्म में वह छिपकली, सांप या फिर चमगादड़ का रूप लेती है। अब मित्रों, बात करते हैं उस महापाप की जिससे करने से मनुष्य नपुंसक बन जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य स्त्री का अपमान करता है जिससे कि वह स्त्री उसे सह ना सके और कुछ गलत कर बैठे, वही इसके विपरीत जो स्त्री किसी मर्द का इस तरह से अपमान करती है, दोनों ही केस में इन दोनों को अगले जन्म में नपुंसक के रूप में जन्म लेना पड़ता है। आशा करते हैं मित्रों आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई होगी, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल शुभ सनातन ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।